मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। चार साल गौरवशाली दिवस मनाने के लिए भूमिका क्या है? ये चार साल छत्तीसगढ़ के लूट के, ये चार साल छत्तीसगढ़ के हत्या, चोरी, भ्रष्टाचार घटनाओं से भरा हुआ है और जितनी बदनामी सरकार की इस चार साल में देश भर में हुई है उससे छत्तीसगढ़ का सिर सर्व से झुक गया है। ऐसे चार साल के कार्यकाल को याद करते समय मैं याद करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, जब शांति का टापू कहलाता था, विकास की योजनाएं पूरे देश में जिसको सम्मान के साथ नाम लिया जाता था, छत्तीसगढ़ का गौरवशाली वो 15 साल का इतिहास रहा है, हर चीज़ बिकाऊ है। थानेदार की पोस्टिंग से लेकर एसपी की पोस्टिंग का आईपीएल की तरह रेट लगता है, फिक्स रेट है, किस थाने में जाना है, किस पुलिस अधीक्षक किसको बनना है, इनका रेट फिक्स है। पटवारी से लेकर कलेक्टर तक का रेट फिक्स है। ये स्थिति छत्तीसगढ़ में दुनिया में कहीं नहीं होगी जो स्थिति छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। और ये पूरी सरकार की स्थिति ये है कि आज पूरे पूरे थाने बिके हुए हैं और इसलिए जुआ, सट्टा, अपराध की लगातार वृद्धि हुई, जिसके आंकड़े मैं बताऊंगा। और इस आंकड़े को मैं तुलना करूंगा राष्ट्रीय स्तर में, जब नेशनल क्राइम ब्यूरो अपनी रिपोर्ट पेश करता है, और नेशनल क्राइम ब्यूरो जब रिपोर्ट पेश करता है तो उसका अध्ययन पूरे राष्ट्रीय स्तर में अध्ययन के साथ रिपोर्ट पेश करता है। और छत्तीसगढ़ आज हम कहाँ खड़े हैं, जब नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के जो आज गौरव दिवस मना रहे हैं उनको एक बार उस रिपोर्ट को ज़रूर पढ़ लेना चाहिए कि उस रिपोर्ट की क्या स्थिति है। दुष्कर्म के मामले में छत्तीसगढ़ देश में 6वें स्थान में, क्या क्या कीर्तिमान है उसके मैं याद दिलाना चाहता हूँ। डकैती के मामले में छत्तीसगढ़ देश में 5वें स्थान में है, फिरौती के मामले में छत्तीसगढ़ देश में 4थे स्थान में है, हत्या के मामले में छत्तीसगढ़ 3रे स्थान है और आत्महत्या के मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में 2रे स्थान में है। ये हमारी उपलब्धि है। ये चार साल गौरवमयी बिताने के बाद आज किसान से लेकर समाज के सभी वर्ग लूट, हत्या, फिरौती में कैसे परेशान हैं, आज इनकी शराबबंदी का नतीजा क्या निकला है, इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। शराबबंदी में मैंने पहले बताया कि अवैध तस्करी के मामले 7वें स्थान में हैं। शराबबंदी के घोषणा के बाद 3 उपलब्धि, पहले उपलब्धि की कि सरकार ने कहा कि हम सबसे पहले विधायकों के समिति बनाएंगे, अन्य राज्यों में अध्ययन करने जाएगा और अध्ययन करके आगे बताएगा कि शराबबंदी कैसे की जाए। वो आज तक समिति ने अपनी कोई रिपोर्ट नहीं पेश की, विधानसभा में वादा किया मगर वो वादा आज तक अधूरा का अधूरा है। दूसरा, शराबबंदी की घोषणा के समय सिर्फ 700 दुकानें थी शराब की पूरे छत्तीसगढ़ में, 700 दुकानें। शराबबंदी की घोषणा की जैसे ही वादा किया है दुकानें आज 1499 हो गई, जस्ट डबल, दुगने से ज़्यादा शराब की दुकानें हो गई। तीसरा उपलब्धि शराब के दुकान को बंद करने का घोषणा का ये हुआ, इन्होंने जो घोषणा किया था कि हम कोरोना काल में घर घर दवाई पहुंचा के देंगे, मगर पूरे कोरोना काल में कहीं भी कोई दवाई होम डिलीवरी नहीं दी गई, घर पहुंचाकर दवाई नहीं दिया गया। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के शासनकाल में, भूपेश के शासनकाल में, कि जो गौरवशाली दिवस मना रहे हैं, शराब की होम डिलीवरी की गई और पूरे कोरोना काल में हिंदुस्तान में सर्वाधिक शराब बेचने वाला पहले नंबर का कोई राज्य यदि बना है तो छत्तीसगढ़ ने, इसमें भी गौरवशाली उपलब्धि हासिल की है और इसलिए गौरव दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं। महतारी सम्मान निधि के बारे में इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है 500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया, आज तक न 500 रुपये मिला न महतारियों का सम्मान बढ़ा। सर्व विधवा पेंशन योजना इनके घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में
महिलाओं को आकर्षण करने के लिए, महिला और हमारी विधवा बहनों को अपने साथ लेने के लिए झूठे घोषणा किए। छत्तीसगढ़ की सभी विधवा बहनों को 1,000 रुपया प्रतिमाह देने का वादा किया था। 4 साल निकलने के बाद भी आज इनको विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, ना इसके संबंध में कभी चर्चा विधानसभा के अंदर हुआ, ना कुछ घोषणा की।